अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं हूँ मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुहेल भाई। अगर अभी तक मेरे चैनल सुहेल भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर ले सब्सक्राइब। फिर आज की मज़ेदार वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो व्यूअर, इस टाइम पे तंदूर का काम रेडी करने के बाद मैं इधर आ चुका था ईदगाह मस्जिद में। मैंने कहा ब्लॉग का स्टार्ट जो है ना ईदगाह मस्जिद से करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ तंदूर पे, तो वहाँ पे चल के आपको दिखाता हूँ कि भाई मैंने काम वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया है। और अभी जिस जगह जाना है ना, वो जाना है शेरशाह, जाना है कोयला गोदाम, क्योंकि वहाँ से कोयला लेने के लिए जाना है। तो वो भी चल के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधा तंदूर। तो व्यूअर, इस टाइम पे बाइक ये देख सकते हैं सामने बाहर ही खड़ी है, और इस तरफ जो है ना मैंने अभी आटा वगैरह गूंद लिया था और तंदूर का काम बिल्कुल रेडी करने के बाद मैं ईदगाह मस्जिद चला गया था। तो अभी वहां से वापस तंदूर पे आ गया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 9:40 का। तो अभी जो है ना जाना है हमें शेरशाह कोयला गोदाम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोयला गोदाम जाना है कोयला लेने के लिए, क्योंकि कोयले की बोरी ये आखिरी हमारे पास बच गई है, ठीक है। ये आखिरी कोयले की बोरी है, तो अभी जाना है कोयला लेने के लिए। और ये रास्ता मैंने उठा लिया, ये तो आप सबको पता होगा कि भाई ये मैंने किस लिए उठाया। अगर नहीं है पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ये रास्ता इसलिए उठाया क्योंकि जो है ना हम लोग जिस टाइम पे मैं दो बोरियाँ लेके आता हूँ ना, या एक लेके आता हूँ तो बगैर रस्से के लेके आ जाता हूँ। अगर दो लेनी होती है तो फिर ये लेके जाना पड़ता है, क्योंकि दो लेने के लिए जो है ना रस्सा से बांध के आना पड़ता है। ट्रैफिक वगैरह भी बहुत होती है और वहाँ पे शेरशाह में खड्डे वगैरह जम वगैरह है ना, तो इस वजह से इसको बांध के आना पड़ता है। और जो पुल की ऊंचाई है ना, तो इसलिए भी इसको बांध के आना पड़ता है कि गिरे ना ना। तो अभी चलते हैं सीधा शेरशाह। पेट्रोल पंप पे पहुंच चुका हूँ, तो अभी यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं, तो उसके बाद जाना है शेरशाह। शेरशाह में तो आपको बताया कि भाई कोयला लेने के लिए जाना है 170। तो फाइनली व्यूअर, इस टाइम पे मैं शेरशाह कोयला गोदाम में पहुंच चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये रोड अभी तक भी तैयार नहीं हुई, ठीक है। तो काफी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सामने से जो है ना एक रोड चालू है, ये वाली रोड बंद है, क्योंकि ये जो नाला बना था ना, अभी नाले का काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, इससे पहले भी मेरे ब्लॉग में आपने देखा था कि नाला जिस टाइम पे तैयार हो रहा था, तो मैंने आपको दिखाया था। तो अभी जैसे ये रोड कंप्लीट हो जाएगा तो ये रोड के ऊपर भी ट्रैफिक आने जाने वाला, अभी सारे जितने भी लोग हैं आने जाने की रोड को मतलब मैनेज कर रहे हैं वही एक ही रोड को। तो अभी मैं चलता हूँ अंदर कोयला गोदाम, ये आपको मैं दिखाता हूँ सामने जो है ना। ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका ये छाना लगा हुआ है, ठीक है। ये कोयले वगैरह देख सकते हैं, ये इनका गोदाम है। ये इस तरफ भी कुछ बोरियां रखी हुई है और इस तरफ भी मोटे जो कोयले है ना, यहाँ पे भी बोरियां वगैरह रखी हुई है। और ये 100 वाली 50 वाली थैलियां भी कोयले की यहाँ पे ये बेचते हैं भाई। तो फाइनली व्यूअर, इस टाइम पे जो है ना अभी थोड़ा हिसाब किताब करना है भाई के साथ, ये करके कैमरे ऑफ में फिर आपसे मिलता हूँ। तो अभी भाई बोल रहे हैं कि बाइक जो है ना ऊपर इस जगह पे लेके आओ, ताकि जो है ना हम आराम से जो है ना बोरी वगैरह बांध के आपको दे दें। तो मैंने कहा ठीक है यार, मैं उधर लेके आता हूँ। तो अभी बाइक को लगाते ऊपर, बाइक में वहां से लेके यहाँ पे आके मैंने लगा दी, ठीक है। तो अभी यहाँ से ये भाई कोयला लेके आ रहे हैं, ये ऊपर गए हुए हैं। ये कोयला लेके आ रहे हैं अभी नीचे, ठीक है। सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर, ये वही बंदा है जिसने पहले भी मेरे व्लॉग में बोला था कि जो व्लॉग आपके पास मैंने भेजा कि स्पेशल जो मजदूर के लिए भाई के लिए बनाया, इधर ही बाइक पे आ जाओ बाइक पे। तो स्पेशल भाई मजदूर के लिए व्लॉग बनाया, तो उसने बोला था कि सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वही बंदा था।
शायद आपने पहचान लिया होगा, जो जितने भी मेरे रेगुलर व्यूअर है देखने वाले आप सबको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ ये भाई ने अभी बोरी रख ली, तो एक और लेके आ रहे अंकल। तो भाई ये सलाम कर रहे हैं आपको। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। ठीक है भाई, ठीक है, आपको मैंने दिखा दिया। वो आ जाओ, नहीं नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आओ। नीचे आओ ना। तो व्यूअर अभी नीचे नहीं आ रहे, डर रहे नीचे आने से। ऊपर तो ये जो है ना चला जाता है किसी तरीके से, भी नीचे आने से बहुत डरता है। तो अभी हम लोगों ने वो बांधा नहीं अभी तक, इसका सीन दिखा रहा हूँ मैं आपको नीचे आने का। भाई ख्याल से आना, ख्याल से, नीचे बोरी नहीं है। इस टाइम पे मैं कोयला लेके जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे कोयला पीछे बांधा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। रस्सी से पूरे दो बोरी कोयले की लेके सीधा तंदूर पे जाता हूँ। ठीक है, तो तंदूर पे पहुँच के ना फिर आपसे। तो फाइनली व्यूअर इस टाइम पे मैं बोरियां लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो ये सामने मैंने सीट वगैरह भी अभी साफ कर ली और अपनी शर्ट वगैरह भी चेंज कर लिए। तो अभी जाने हैं मार्केट, झटपट मार्केट। क्या काम से जाना है वो मैं आपको बता दूं कि वहाँ से जाना है, शॉपर ख़त्म हो गए ना तो शॉपर लेने के लिए जाना है, तो वो शॉपर भी लेने के लिए जा रहा हूँ। तो फिर शॉपर वाली शॉप पर पहुँच के ना फिर आपसे देखता हूँ। तो फाइनली व्यूअर इस टाइम पे मैं शॉपर वाली शॉप का जो मैंने आपको बोला था मैं वहाँ पे पहुँच चुका हूँ। ठीक है, तो ये सामने आपको शॉपर लटके हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और इस तरफ से तो ये गिफ्ट पेपर भी यहाँ पे मिल जाते हैं, और इसके अलावा जो है ना बच्चों के खिलौने वगैरह भी, और ये स्कूल के पाउच वगैरह, डबिया वगैरह। तो ये झटपट मार्केट के अंदर ये शॉप है, मामा बर्गर के बिल्कुल सामने वाली गली में है। ठीक है, तो सीधे हाथ पे आपको नज़र आ जाएगी ये शॉप, किसी से भी पूछोगे तो आपको यहाँ पे जो है ना शॉप ये मिल जाएगी। तो ये मैंने अभी अंकल को 240 रुपये दे दिए। ठीक है, तो ये तीन जो है ना शॉपर ले लिए, पाव पाव वाले थैलियाँ ले ली तीन, दो 10-14 के लिए और एक 12-16 के साइज़ में ना, ये देख सकते हैं। तो ये शॉपर वाली शॉप के बिल्कुल बराबर में इनकी दूसरी शॉप है, यहाँ पे जो है ना वॉच वगैरह मिल जाते हैं, लेडीज़ जींस, और इसके अलावा सेंट वगैरह भी मिल जाते हैं, और भी बहुत कुछ यहाँ पे जो है ना इस तरफ आ जाए तो गिफ्ट सेंटर भी इनके पास है, मौजूद है। ठीक है, हर किस्म के गिफ्ट वगैरह भी मिल जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है आपके पास? गिफ्ट वगैरह भी देते हैं, परफ्यूम वगैरह भी दे सकते हैं। अच्छा, तो अच्छी क्वालिटी में ब्रांड चीजें अंदर की साइड लगी हुई है। अच्छा, अंदर की साइड लगी हुई, तो एक दो मुझे चीजें दिखा दें आप। भाई अभी बता रहे कि भाई अंदर की साइड पे जो चीजें लगी हुई हैं वो जो है ना ग्लास वगैरह चलते हैं भाई जी, जैसे ये आउटपुट चल गए जी, जैसे अपना ये चल गया, दूसर मशीन है, जैसे ये लैंप है, परफ्यूम वगैरह है, कोई बॉडी स्प्रे वगैरह, ऐसे कुछ आइटम चलते हैं खासकर जी। तो ये जो चैन वगैरह है ये भी माशाल्लाह बहुत ही चलते हैं, तो इसीलिए आपके पास इनका भी जो है ना बहुत ज़्यादा ये चैन वगैरह लगी हुई है, और इस तरफ ये ऊपर आप घड़ी चेक कर सकते हैं। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी शॉप है भाई की। ठीक है, ये भी झटपट मार्केट में मामा बर्गर के सामने शॉपर हुआ, जो शॉपर वाली दुकान पर। अच्छा, शॉप का कोई नाम है आपका? शहबाज गिफ्ट सेंटर। शहबाज गिफ्ट सेंटर जी, ठीक हो गया, मैंने कहा नाम भी आपको बता दूँ व्यूअर, शहबाज गिफ्ट सेंटर नाम है। ठीक है, शहबाज गिफ्ट सेंटर के बराबर में ही जहाँ से मैंने अभी शॉपर लिए ये बराबर में ही शॉप है, शॉपर वाले। तो अभी मैं भाई के पास आया था, चने वाले के पास। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 50 रुपए के चने लिए नाश्ते के लिए, तो ये मामा स्वीट के बिल्कुल सामने ही भाई खड़े होते हैं चने वाले। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आके चने लिए, तो अभी चलता हूँ सीधा अपने फार्म पे। तो फाइनली व्यूअर इस टाइम पे मैं चने वगैरह लेके तंदूर पे आ चुका हूँ, और पानी का गिलास सामने मैंने भर लिया ताकि पानी पीऊँ, बिल्कुल थक चुका हूँ इस टाइम पे। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं ब्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज के ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।